अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ सो जनाब आज का ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त यूके में है डिपेंडेंट वीज़ा पे हैं चाहे चाहे वो इस वक्त स्टूडेंट हैं चाहे वो जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं चाहे इस वक्त वो पी एच डब्लू लेने वाले हैं आज का ब्लॉग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज की ब्लॉग में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँ जिससे आपका जॉब सर्च का प्रोसेस थोड़ा क्विक हो सके क्योंकि पिछले दो तीन महीने के दरमियान ना मुझे बहुत सारे मैसेजेस रिसीव हुए हैं ऑन एंड ऑफ कि भाई हमें जॉब नहीं मिल रही हम यहाँ पे स्टूडेंट वीजे पे हैं खातिन ने मैसेज किया हम डिपेंडेंट वीजा पे आए हुए हमें जॉब ढूंढने में स्ट्रगल हो रही है हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या स्टेप पहले लें कैसे जॉब सर्च करना शुरू करें इसके अलावा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पी तो मिल गया है बट स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग इन फाइंडिंग अ राइट जॉब फॉर सो अगर आप भी जॉब सर्च कर या आप जॉब सर्च करने वाले हैं आपने वीडियो पूरी देखनी है ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो और आपने इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कॉमेंट भी करना है अगर आपको उसका कॉन्टेंट अच्छा लगता है और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस, तो प्रेस बटन थैंक यू सो मच चले जरा आप बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि देखें अगर आप यूके में एज अ डिपेंडेंट हैं आपने कभी जॉब नहीं करी आप फिर फाइव और सिक्स ईयर गैप आप जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि यू टेक अ सम नेसेसरी स्किल कोर्स और वट एवर रेलिवेंट टू योर फील्ड जस्ट सपोज अगर आपने मार्केटिंग पढ़ी थी पाँच छः साल पहले अब आप जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं करियर स्टार्ट करना चाहते हैं बट देर इज ह्यूज गैप बिटवीन योर डिग्री एंड बिटवीन योर जॉब नाउ। फाइव ईयस का गैप बहुत होता है आप मार्केट से टोटली आउट हो चुके हैं मतलब आप गेम में नहीं है अब अगर आप यूके में जॉब करना चाहते हैं यूके की मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स कोई ना कोई छोटा मोटा डिप्लोमा करना पड़ेगा सपोज अगर मैं मार्केटिंग की बात करती हूँ तो आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग का बड़ा दौर है डिजिटल मार्केटिंग का बहुत दौर है बहुत कोर्सेस कराए जाते हैं ऑनलाइन भी करवाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशन भी यहाँ कराते हैं तो आपको एक रेलिवेंट कोर्स करना पड़ेगा ताकि आपकी सी अपलिफ्ट हो ताकि आप जो आपको रिक्रूटर हायर करो से पता चले कि यार अच्छा ठीक है इसका गैप तो था बट शी इज ट्राइंग टू मेक Herself यू नो इन इन द मार्केट क्योंकि याद रखिएगा जॉब मार्केट कहीं पर भी हो जॉब इंडस्ट्री कहीं पर भी हो हर जगह सैचुरेशन है और आपको अपनी जगह बनाना पड़ती है अगर आप अपनी जगह बनाना चाहते हैं आफ्टर स्पेशली अगर गैप के बाद तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है कुछ ना कुछ ऐसा डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेशन करना पड़ती है जिससे आप दोबारा गेम में इन हो सकें अब बात करते हैं जस्ट सपोज आप एज अ स्टूडेंट यू के आ रहे हैं जनवरी के इन में आ रहे हो सकता अप की रहे है अपकमिंग कमिंग सेप्टंबर के इन में आ रहे हैं खैर अगर आप जनवरी के इनटेक में आ रहे हो तो ऐसा आप कुछ नहीं कर सकते बट अगर आप सेप्टेम्बर के इनटेक में आ रहे हैं यू स्टिल हैव अ चांस यू हैव अ मार्जिन आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें सोच समझ के अगर आप कोर्स सेलेक्ट करें तो सोच समझ के सेलेक्ट करें आप ये देखें अगर कोई एक पर्टिकुलर कोर्स सेलेक्ट करें, तो यूके में उसका क्या है, स्कोप है क्या फ्यूचर है क्या है, स्टार्टिंग सैलरी है आप यूनिवर्सिटी की इट सेल्फ रैंकिंग चेक करें कि वो यूके में उसकी क्या रैंकिंग आती है वर्ल्ड वाइड उसकी क्या रैंकिंग आती है देखिए यहाँ पर ये यह होता है कि यहाँ पे क्या दुनिया के हर मुल्क में यही होता है अगर यूनिवर्सिटी की अच्छी रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी रेप्यूट होती है तो बड़े बड़े रिक्रूटर्स खुद जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों को हायर करने के लिए तो आपके चांसिस जॉब सिक्योर करने के बड़े स्ट्रॉग हो जाते हैं अगर आप ऑलरेडी एक वेल well रेप्यूटेड और अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं लाइक like अब तो यूके की गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है कि जो रसल ग्रुप ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ है अगर आप उसमें से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि रसल ग्रुप में जितने भी यूनीस इंक्लूडेड हैं वो सारी वेल रेप्यूटेड हैं अच्छी हैं यानी कि सारी बहुत महंगी हैं उसके अंदर अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और जिसमें आपको एडमिशन भी आसानी से मिल भी जाता है अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर कि अगर आप यूके में डिपेंडेंट हैं आप जाहिर सी बात है आपने शादी हुई बच्चे हुए आपके अब आप बच्चे स्कूल गोइंग हैं नाउ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर करियर अगेन आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या आप यू में स्टूडेंट हैं मौजूद हैं या यू स्टूडेंट आ रहे हैं आने वाले मतलब तो आपके बजाय से बात यूके का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं यूके के अंदर क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिएगा डिग्री की बर्थ होती है लेकिन अगर एक्सपीरियंस ना हो तो डिग्री आपके कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रखती अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आपने सिर्फ डिप्लोमा किया था या सिर्फ जी सी एस सी किया हुआ यहाँ पर या सिर्फ सर्टिफिकेशन की हुई है तो आपका एक्सपीरियंस आपकी डिग्री पर भारी पड़ता है सो so जनाब आप बात करते हैं कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो अगर आप एज अ डिपेंडेंट हैं तो आप कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं या आप स्टूडेंट हैं तो कैसे एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं देखें अगर आप एक डिपेंडेंट हैं यहाँ पे एज स्टूडेंट हैं या आप कोई भी फील्ड से बिलोंग करते हैं आपका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि आप अपनी फील्ड में जॉब करें अपने रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट आपने पढ़ा है उसके रिलेटेड जॉब करें अगर आपको नहीं मिलता तो यू डोंट हैव टू लूज होप आपको जॉब की उम्मीद नहीं छोड़नी और न ही जॉब की सर्च बंद करनी है देखिए यहाँ पे तीन चार ऑप्शंस हैं जिनमें से आप अगर एक आद को भी फॉलो कर लें तो यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट देखिए सबसे पहला ऑप्शन तो यह है कि आप पार्ट टाइम जॉब तलाश करने की कोशिश करें कोशिश करें कि आपको अपनी फील्ड की ही जॉब मिल जाए पार्ट टाइम बेशक बहुत कम सैलरी हो लेकिन मिल जाए बट अगर फील्ड की नहीं मिलती स्टिल गो हैड एंड डू डेट क्योंकि आपको मार्केट एक्सपोजर मिलता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होती है आपको एक वर्किंग एनवायरमेंट में काम करने का थोड़ा तजर्बा मिलता है सेकेंड ऑप्शन है आपके वॉलेंटियर काम करने का यूके के अंदर अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो सिंपली अपनी ही फील्ड में आप वॉलेंटियरली काम करें कंपनीज़ को अप्रोच करें उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके करियर के ऑप्शन पे जाएं, वहाँ उनको मैसेज करें कि आप वॉलेंटियरली काम करना चाहते हैं उनके साथ यूके के अंदर वॉलेंटियर काम करने का बहुत कल्चर है कंपनीज बहुत अप्रिशिएट uh, करती हैं इसको रिकिग्नाइज करती हैं अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आपको जॉब भी ऑफर कर देती है समटाइम सेकेंड ऑप्शन है इंटर्नशिप का अपनी ही फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप करें चाहे अनपेड ही हो लेकिन आप करें आप कंपनीज़ को खुद अप्रोच करें उन्हें बताएं कि आप इंटर्नशिप करने में इंटरेस्टेड है इधर पेड और अनपेड अगर वो आपको पेड ऑफर नहीं करते और अनपेड ऑफर करना चाहते हैं अहेड डेट क्योंकि याद रखिएगा जब आप करियर स्टार्ट कर रहे हो तो करियर स्टार्ट करते हुए पैसे के पीछे नहीं भागते आप भागते अपनी सी को बिल्ड करने के पीछे आपको अपनी सी में वेटेज लाना होता है अगर आपकी सी के अंदर कुछ लिखा ही नहीं ना इंटर्नशिप है ना कोई वॉलंटियर वर्क है ना ही कोई एक्सपीरियंस है तो कोई कंपनी आपको क्यों हायर करेगी एटलीस्ट जब आप इंटर्नशिप करते तो आपकी सी में लिखा हुआ है कि भाई इस बंदी के पास यूके में काम करने का एक्सपीरियंस है अब बात करते हैं कि भाई आपने वॉल्टियर काम भी कर लिया है वर्क प्लेसमेंट भी कर ली है पार्ट टाइम जॉब भी कर ली है इंटर्नशिप भी कर ली है नाउ यू हैव टू डू अ एक्चुअल जॉब सर्च अब क्या करें एक्चुअली होता है कि जब हम जॉब सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक होता है कोरे कागज़ की तरह तो होता है समझ ही नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करें ऑल दो इस बहुत ईजी होते हैं लेकिन सम टाइम होता है ना चीज़ नज़र के बहुत सामने रखी हुई होती है बहुत करीब होती है तो भी वो नज़र नहीं आ रही तो भी समझ नहीं आ रही होती तो so, अब हम डिस्कस करेंगे कि आपने जॉब सर्च कैसे करनी है कहाँ जाके सर्च करनी है देखिए अगर आप यूके में ना तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जॉब सर्च करने की यहाँ पे फाइंड अ जॉब विच इज़ यू के ऑफिशियल मतलब वेबसाइट आप वहाँ जाके सर्च करें अपने करियर से रिलेटेड जिस भी करियर में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जाएँ टाइप करें और अपनी रेलिवेंट फील्ड की जॉब तलाश करें सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिक्रूटमेंट एजेंसीज यूके के अंदर बहुत सारी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं इनके बारे में बहुत और बहुत ज़्यादा है एक्चुअली यहाँ पे क्योंकि यह कल्चर बहुत नॉर्मल है यहाँ पे तो आप अपने आप को रिक्रूटमेंट एजेंसीज के साथ रजिस्टर करें रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपसे कुछ नहीं चार्ज करती एंड जस्ट सपोज कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे अगर कर चार्ज करती भी है तो वो आपसे तब तक नहीं चार्ज करती जब तक आप अपनी फर्स्ट जॉब सिक्योर नहीं कर लेते आपको फर्स्ट सैलरी नहीं मिल जाती उस फर्स्ट सैलरी का वो फाइव परसेंट टेन परसेंट या फिफ्टीन परसेंट चार्ज करते हैं डिपेंड यू नो एजेंसी टू एजेंसी लेकिन नॉर्मली यूके के अंदर एजेंसीज नहीं चार्ज करती हैं आपको अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की बिच इज सोशल मीडिया सोशल मीडिया एक ऐसा पावरफुल टूल है एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है आज के दौर में अगर किसी को समझ आ जा जाए स्पेशली अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया में लिंगडिन की लिंकडिन एक ऐसा पावरफुल टूल है एक ऐसा स्ट्रॉग टूल है और ऐसा एक यूजफुल टूल है ना अगर किसी को उसका सही इस्तेमाल आ जाए ना किसी को पता चल जाए कि यार इसकी पावर क्या है तो आपको ना कहीं और जॉब तलाश करने की जरूरत नहीं है आपको रिक्रूटर्स वहीं से हायर करें अगर आपके पास जरा सा भी एक्सपीरियंस है अगर आपकी लिंकडिन पर प्रोफाइल नहीं बनी तो आज ही प्रोफाइल बनाए और अच्छी बनाए वेल रिटर्न बनाएं कि अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी कोई रिक्रूटर कोई कंपनी आपके प्रोफाइल को एक दफा सर्च करती है एक दफा जाके देखती है तो वो एक सेकंड के लिए रुक के जरूर देखे अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की विच इज जॉब फेयर अगर एज ए स्टूडेंट हमें समझ आ जाए जा ना कि जॉब फेयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इनकी क्या वर्थ है तो हम कभी मिस ना करें बट ये अलग कहानी की एज ए स्टूडेंट हमें समझ नहीं आते एनी जॉब फेयर बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े agencies, बड़े रिक्रूटमेंट एजेंसीज बड़े बड़े रिक्रूटर्स खुद आए हुए होते हैं अक्सर तो ऑन स्पॉट आपका इंटरव्यू लेते हैं और ऑन स्पॉट आपकी हायरिंग हो जाती है सो so, आपकी सी रेडी होना चाहिए अगर आपको जॉब फेयर अटेंड करने जा रहे हैं एटलीस्ट बीस पच्चीस सौ आपके पास कॉपीज होना चाहिए हार्ड कॉपीज होना चाहिए आपकी सीबी की जो आप उन्हें ऑन स्पॉट दे सकें अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर जॉब पोर्टल्स यहाँ पे यूके के अंदर बहुत ज्यादा ना वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जॉब सर्च कर सकते हैं लाइक like इंडीड हो गया सीवी लाइब्रेरी हो गया आपके पास जीड्स हो गया मॉन्स्टर हो गया और इस तरह की और हजारों वेबसाइट्स हैं जॉब सर्च की यूके के अंदर जिन पे आप जाके जॉब सर्च कर सकते हैं अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की विच इज साइनिंग अप फॉर द जॉब अलर्ट ऑन द जॉब पोर्टल्स होता क्या है जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना जॉब सर्च वेबसाइट के ऊपर तो वहाँ पे एक ऑप्शन भी होता है जॉब अलर्ट्स का और जब उसके लिए आप साइन अप करते हैं तो जब भी आपकी फील्ड से रेलिवेंट कोई जॉब पोस्ट होती है तो आपको उसकी ई नोटिफिकेशन आ जाती है उससे ये होता है कि आप फॉरन उस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं आपको इन वेबसाइट के ऊपर अपनी सीवी अपलोड करना पड़ती है जब आप रजिस्टर करवा रहे होते हैं या साइन अप कर रहे होते हैं इससे ये होता है जब भी जॉब अलर्ट आती है तो आप फॉरन से अप्लाई कर सकते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की विच इज नेटवर्किंग नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप करियर की ग्रोथ चाहते हैं अगर आप चाहते हैं नई जॉब्स आपको मिले अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री आपको रेकग्नाइज करे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं आप जाए लिंक के ऊपर आप वहाँ पे जाके एक्टिव हों वहाँ पे जाके डिफरेंट पोस्ट पे कमेंट्स करें डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करें अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से बात करें उनसे मशवरा लें उनसे एडवाइस लें उनसे पूछें कि आप किस तरह से आगे ग्रो कर सकते हैं मतलब जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे जब तक आप बात नहीं करेंगे जब तक आप लोगों की पोस्ट पर कमेंट नहीं करेंगे लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपकी प्रोफाइल एग्जिस्ट भी करती है लिंकड के ऊपर और जितने भी लोग लिंकडिन पे होते हैं ना वो ज़्यादातर हाईली क्वालिफाइड होते हैं इंडस्ट्री के प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है ये आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि किस तरह की सर्टिफिकेशन किस तरह के डिप्लोमा किस तरह की डिग्री आपको हेल्प आउट कर सकती है अपने करियर को मतलब ना राइट डायरेक्शन में लेके जाने के लिए और जब आप एक दफ़ा कॉन्टैक्ट्स बना लेते हैं लोगों को पता चलता है कि यार आप भी एग्जिस्ट करते हैं लिंगड इन आपकी प्रोफाइल भी वो चेक करते हैं तो उनके पास अगर फ्यूचर में जॉब अपॉर्चुनिटी आती है कोई उनके पास जॉब होती है तो वो आपको कंसिडर रखते हैं माइंड में आप उनको पता होता है कि यार अच्छा इसकी प्रोफाइल भी मैंने देखी थी अच्छा चलो यार इससे मैं पूछ लेता हूँ कि अगर ये अवेलेबल है इस जॉब के लिए आप भी उनको अप्रोच कर सकते हैं अगर आपको पता चलता है कि यार उनकी कंपनी में नई जॉब ओपनिंग आई है आप उनसे बोल सकते हैं कि यार अच्छा हम भी अप्लाई करना चाहते हैं आप सीवी सेंड कर सकते हैं अपने उन्हें अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की विच इज़ सीवी मेकिंग और आप कह सकते हैं सीवी डिज़ाइनिंग एंड प्रिपेयरिंग योर for द इंटरव्यू देखिए जब आप CV डिजाइन करते ना तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी सी वी को यू के अकॉर्डिंगली डिजाइन करें जो यू के में स्टैंडर्ड है सी वी का इसके लिए कोई बहुत बड़ी मतलब आपको ना मेहनत ज्यादा नहीं करनी आपने गूगल पर जाना है सर्च करें यूके के टेम्पलेट्स यूके सी वी टेम्पलेट्स और आपको वहाँ से आइडिया मिल जाता है ये नहीं कि आपने कोई मतलब वहाँ पे आपको डिजाइन हुई सी वी मिलेगी या आपको कोई शो, शोशे लगाने शशके लगाने अपनी सी वी के अंदर ऐसा कुछ ही नहीं है राधर ये आपको आइडिया दे दें कि आपने कैसे अपनी सी वी डिजाइन करनी है कैसे कस्टमाइज करनी है एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब स्पेसिफिकेशन देखें जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं की होते हैं कि अगर वो आपके सी के अंदर ना हो तो आपकी सी कभी भी राइट बंदे तक पहुंच ही नहीं पाती क्योंकि अगर आपके सीवी के अंदर राइट कीवर्ड्स नहीं लिखे हुए या उन्होंने जो स्किल्स मांगी हैं एट्रीब्यूशन मांगी हैं वो आपके सीवी के अंदर नहीं है तो कभी भी सीवी ट्रैकिंग स्कैनर जो होता है लाइक एटीएस वो कभी भी आपके सीवी को स्कैन ही नहीं करेगा वो जब स्कैन नहीं करेगा तो राइट बंदे तक राइट रिक्रूटर तक या राइट कंपनी तक कैसे जाएगी तो फिर आपको जॉब कैसे मिलेगी तो ये जरूरी है कि आपकी सीवी जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली डिजाइन हो और आपने सीवी में वही लिखना है जो आपको आता हो जो आपके पास एक्सपीरियंस हो जो आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी आपने एक्स्ट्रा और कुछ भी आपने झूठ नहीं लिखना क्योंकि यहाँ बहुत जल्दी पकड़ा जाता है वो अब बात करते पार्ट की के भाई जब आप लोग जाते हैं जॉब इंटरव्यू के लिए लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता कि करती क्या अगर उन्हें तो, तो उन्हें ये नहीं पता होता तो कंपनी का विजन क्या है कंपनी की वैल्यूज क्या है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है कि अगर आप किसी के घर जाएंगे या आप किसी को अपने घर इनवाइट करते हैं तो आपको पता होता है वो कौन है कहाँ से आ रहा है क्या करता है कहाँ रहता है सिमिलरली जब आप किसी को इंटरव्यू देने जाते हो तो आपको भी पता होना चाहिए कि यार उसके वेयर अबाउट्स क्या हैं उसकी कंपनी की बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए क्योंकि कंपनीज पूछती हैं जब वो पूछती है ना कैंडिडेट से कि वट डू यू नो अबाउट अस तो बंदा फिर बिल्कुल ब्लैंक होता है क्योंकि उसको तो पता ही नहीं तो वो करते हैं क्या ज़्यादा साहद वो कहते हैं अच्छा जी यू आर मैनुफेक्चर ऑफ फलाना ढिमकाना सो so, जब भी आप जॉब इंटरव्यू देना जाएँ तो सबसे पहले कंपनी की वेबसाइट सर्च करें कंपनी का सारा जो बेसिक डिटेल्स है वो देखें अगर कंपनी ने अपने अचीवमेंट्स मेंशन करी अपने सेल्स के बारे में कुछ मेंशन किया हुआ जो भी उनकी वेबसाइट पे है उसको अच्छे से गो थ्रू करें इसके अलावा जब आप इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो आप उसके इसके अलावा जब आप जॉब इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से गो थ्रू करें अच्छे से हिफ्स लें मैं कहूँगी आपको पता होना चाहिए कि जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे आपकी सीवी से अलाइन है और कैसे आपका पास्ट एक्सपीरियंस आपकी करंट जॉब से अलाइन हो सकता है एंड वन मोर थिंग जब भी आप जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप प्रोफेशनल अटायर में जाएँ प्लीज़ कभी भी कैजुअली ना आ जाए जॉब इंटरव्यू देने के लिए बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ता है रिक्रूटर्स के ऊपर कंपनी के ऊपर और जब आप जॉब इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर होकर जाते हैं ना तो ये रिक्रूटर भी आपको भाँप लेते हैं उनको पता चल जाता है कौन वेल प्रिपेयर है और कौन बस मुंह उठा के आ गया है सो देखिए आपने अपने जॉब इंटरव्यू के लिए वेल प्रिपेयर होकर जाना है आपने अपनी सीवी को अच्छा सा डिज़ाइन करना है आपका जॉब इंटरव्यू जो हो वो ऐसा इंप्रेशन दे कि आप जॉब करने के लिए बहुत पैशनेट है आप इंटरेस्टेड हैं उनकी कंपनी में काम करने के लिए आप उनकी कंपनी के लिए वैल्यूबल एसेट बन सकते हैं अगर वो आपको हायर ना करें तो उन्हीं का नुकसान है और अगर खुदा ना खादा सब कुछ करने के बावजूद भी आपको जॉब नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिसहार्टन हो जाएँ या आप बुरा फील करें देखें हमसे हमेशा कोई ना कोई बेहतर होता है इंडस्ट्री के अंदर और हर कंपनी उसी बंदे को हायर करती है जो तो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल है तो उनकी कंपनी को आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा सके सो so, आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है आपने कम अज कम एक दिन के अंदर बीस से पंद्रह लोगों को ना अपनी सीवी सेंड करनी है ये आपका डेली का टारगेट होना चाहिए उसके बाद आपको कोई दस पंद्रह लोग जॉब इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और फिर लास्ट में कोई तीन या चार लोग आपको रियलिस्टिकली जॉब ऑफर करेंगे चले जनाब उम्मीद करती हूँ कि फाइव पॉइंट आपको जॉब सर्च करने में हेल्प करेंगे यूके के अंदर अगर आप वन टू फाइव फॉलो करें तो यकीन आपको बहुत हेल्प आउट होगा और आप में से बहुत से लोग आप शायद ये कहेंगे कि यार ये तो बहुत बेसिक पॉइंट्स है हमें तो पता थे लेकिन यकीन माने बहुत से लोगों को अभी भी ये पॉइंट्स नहीं पता होते और ये उन्हीं लोगों के लिए ब्लॉग बनाया गया था एंड ट्रस्ट में यही वो फाइव पॉइंट्स है जिसको सब फॉलो करते हैं चाहे वो आज बहुत बड़े रिक्रूटर्स हैं चाहे वो आज बहुत बड़े मार्केटिंग मैनेजर्स हैं चाहे वो आज बहुत बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन्होंने भी यही बेसिक पॉइंट्स फॉलो करें और सक्सेस हासिल करी है सो so, उम्मीद करती हूँ कि इन ताला अगर आप ये पॉइंट्स फॉलो करेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा और इसी नोट पे आज का ब्लॉग एंड करते हैं इन नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक अपना बहुत ख्याल रखेंगे मुझे दुआ में याद रखेगा टेक केयर बाय बाय अल्लाह हाफिज